हमारे इंडियन सिनेमा में ना बहुत ऐसे एक्शन हीरो को हम सबने देखा हुआ है, बट कुछ एक ऐसे एक्शन हीरो है ना जिनके एक्शन फिल्मों को देखने के बाद ना ऐसा फील होता है यार कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और उनमें से एक ऐसे एक्टर है जिनका नाम है विनोद जम्वाल। फाइनली इनकी एक क्रैक मूवी का ट्रेलर को अभी थोड़ी देर पहले रिलीज करा गया है, और ट्रेलर को देखने के बाद सच में बोलूं तो यार दिल गार्डन गार्डन हो गया है, क्योंकि भाई विनोद जम्वाल को मैं बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहा हूँ, और विनोद जम्वाल के जो फिल्मोग्राफी मैंने एक चीज नोटिस करा है कि ये ना हमेशा से ही कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो एक्शन में हो तो या फिर स्टोरी में हो तो या फिर कहीं से भी कोई भी एक टेक्निकली वर्क में हो तो ये इंसान हमेशा से ही अपने फिल्मों में कुछ ना कुछ नया चीजें तो जरूर लेके आते हैं। और फाइनली इन्होंने एक्शन में नया चीजें लेके आया है। जाके तुम लोग क्रैक मूवी का ट्रेलर देखो भाई, इसके जो एक्शन सीक्वेंस इन लोगों ने डाले हैं टोटली भाई हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला रही है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल टाइप से। इसके अलावा भाई विजुअली भी ट्रेलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सच में भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। मतलब ये चीजों के एक बार तुम एज्यूम करो कि जब भी हम लोग ये चीजों को थिएटर में देखेंगे तो हम लोगों का फीलिंग्स कैसा होगा, मजा आ जाएगा मैन। मतलब एक बार एज्यूम करने के बाद ही गूज़बम्प्स निकल गया। एक दो और चीजें हैं जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, विनोद जम्वाल और अर्जुन रामपाल को देखने के लिए। विनोद जम्वाल एज अ हीरो है, अर्जुन रामपाल थोड़ा ग्रे शेड में है, वो शर्टलेस वाले सीन्स को थिएटर में, वो मजा आ जाएगा। ट्रेलर में थोड़ा ही बहुत ये सब सारी चीजों के लोगों ने डाला है, और सोचो ना एक थोड़ा बहुत इन लोगों ने एक्शन सीक्वेंस को जो भी डाले हैं वो चीज़ों को देखने के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। जब भी हम लोग प्रभु थिएटर में ये फिल्म को देखेंगे तो भाई क्या ही भाई माहौल बनेगा। और इसके अलावा नोरा फतेही भाई फर्स्ट टाइम विनोद जम्वाल के साथ भाई पेयर हो रही है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं। ट्रेलर को रिलीज होने से पहले बहुत सारे गाने भाई आए हुए हैं जो गाने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, बट आज से पहले हम लोग सिर्फ नोरा फतेही को ना वो गाने होने में हम लोग देखा करते हैं, तो बट ये फिल्म में नोरा फतेही एक्शन करते हुए दिखाई दे रही है जो कि अपने में काफ़ी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बट मैं विनोद जम्वाल को थिएटर में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर इनको जो एक्शन सिक्वेंस होते हैं ना भाई उनको मैं हज़ार बार भी देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टर है, मतलब ये चीज़ें ना फेक नहीं कर रहा होगा। जनरली ऐसा होता है कि बॉडी डबल आ जाते हैं, दिल स्टार्ट करके निकल जाते हैं, नो डाउट ये फिल्म में भी थोड़े बहुत बॉडी डबल के यूज़ करे गए हैं जो सच है, वो चीज़ें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बट हाँ, विनोद जम्वाल पे ना ये सारे एक्शन सीक्वेंस सूट करते हैं। विनोद जम्वाल को तुम देखोगे ऐसा लगेगा कि ये इंसान कर सकता है और ये इंसान ही करा होगा, ऐसा भाई का इमेज हम सबके दिमाग में। और अपने जो विनोद जम्वाल सर है वो ऐसा एक्शन सिक्वेंस करते भी हैं, जहाँ कमांडो देख लो यार, कमांडो में हम सब ने ऐसा एक्शन सिक्वेंस देखा था जो हम लोग कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते थे भाई। सो विनोद जम्वाल हमेशा से ही एक्शन सीक्वेंस जो भी ये करते हैं ना उसे ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अभी के टाइम में भी विनोद जम्वाल का जो एक्शन सीक्वेंस है ना बहुत सारे एक्टर लोग अपने फिल्मों में यूज करते हैं, बट यहाँ विनोद जम्वाल एक बार अपने एक्शन सीक्वेंस कर दिया फिर दोबारा नहीं करते, फिर वो नेक्स्ट कुछ ना कुछ चीज़ों की तलाश में निकल जाते हैं कि अब नया क्या ऑडियंस के सामने लेके आई जाए। सो ये विनोद जम्वाल का अपना एक ऑरा है, टौरा है मैन। बट हाँ, अनडाउटली जो क्रैक मूवी का ट्रेलर हम सबने देखा है, मैंने देखा है भाई, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। और भाई इसके पीछे के बीजम, वाह मज़ा आ गया मैन। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग इस पर क्या कहना है, ये फिल्म का ट्रेलर तुम सबको कैसा लगा है ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको ज़रा भी पसंद आया प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।